वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े ज़बरदस्त से चूल्हे पे भी और ओवन पे भी चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम डाल देंगे एक स्टिक रूम टेम्परेचर बटर, जो कि 8 टेबलस्पून है, यानी आधा कप अनसॉल्टेड। और अब उसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर, जो कि रेगुलर शक्कर है। इस शक्कर से, जो रेगुलर शक्कर होती है, उससे थोड़े से कुकीज़ क्रिस्पी बनते हैं। और अब चूई जो बनाने, जो क्रिस्पी एंड चूई जो मिक्स होते हैं, वो होता है लाइट ब्राउन शुगर या डार्क ब्राउन शुगर से। तो हम डालेंगे आधा कप लाइट ब्राउन शुगर। तो अब रीज़न आपको समझ में आ गया कि दो तरह की शक्कर क्यों चाहिए। अगर आपके पास कोई एक नहीं है तब आप जो बना सकते हैं, लेकिन रीज़न बता दिए मैंने आपको। चले अब इसको मिला देते हैं। हमें जब तक इसे मिलाना है जब तक ये तीनों चीज़ें मिल ना जाए। तो ये देखें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम रूम टेम्परेचर अंडा डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा, चूंकि रूम टेम्परेचर था तो क्रीमी क्रीमी हो गया। अब इसमें हम वेनिला डाल देंगे, जो कि है 1 टीस्पून। अब वेट इंग्रेडिएंट तो सारे चले गए, अब टर्न आई है ड्राई इंग्रेडिएंट डालने की। तो इस पर हम एक छन्नी रखेंगे और यहाँ हमारे पास है 1¼ कप मैदा, यानी 1 कप और 4 टेबलस्पून लेवल्ड। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, यानी कॉर्न फ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। डालना हो तो डालें, ना डालना हो तो ना डालें। इसकी रीज़न ये है कि इससे एक अलग तरह की क्रिस्पीनेस ऊपर बनती है और अंदर गुईनेस बनती है। तो चलें सबको सिफ्ट कर देते हैं। और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब लास्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट चिप कुकी का, वो है चॉकलेट चिप। वो मेरे पास है यहाँ 1.5 कप। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको डालना हो डाल सकते हैं। जोई को और हमारी फैमिली में सबको इस कदर पसंद है, इसलिए मैं कभी भी इसमें कंजूसी करती ही नहीं हूँ। चॉकलेट हमारी सेमी स्वीट है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं। तो अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास से बनाएंगे। अगर आपको छोटे कुकीज़ चाहिए तो 1 भी बना सकते हैं, 1.5 भी बना सकते हैं। तो बस ये बेसिकली ये लेंगे, कोई भी चम्मच भी ले सकते हैं, स्कूप भी ले सकते हैं। ये लिया और इससे यूँ बॉल बना लिया और ये बॉल जो है यहाँ रख दिया। तो बस इसी तरह से सारे बना लेंगे। अच्छा, ये कुकी डो का बेस्ट चीज़ क्या है पता है? आप जब बना रहे हैं उसी वक्त आपको बेक करना ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह से बॉल बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। फिर जब भी आपका दिल चाहता है 1 कुकी 2 कुकी 3 कुकी, जब भी वो बॉल निकाल के बाहर रख ले, थोड़ी देर में वो डिफ्रोस हो जाएगा, लाइक 1/2 घंटे में, और आप बेक कर लें। मतलब फ्रीज आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। चलिए ये हमारा लास्ट भी हो गया और अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको बेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि डायरेक्ट बेक करेंगे तो ये नरम है ना, तो वो शेप अपनी तौर से जैसा उसका दिल चाहेगा वो बनाएगा,
और फ्रिज में रखेंगे, इसको सेट कर लेंगे तो फिर एक प्रिसाइज शेप बनेगा। देखिए हमारे डो के बॉल को रखे हुए फ्रिज में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए, और यहाँ मैंने अवन भी ऑन कर दिया है 325 फ़ारेनहाइट एंड 165 सेल्सियस, और यहाँ मैंने एक फ्राई पैन भी रख दिया है जो बिल्कुल लो पे चूल्हा ऑन है, और ऐसे ही पैन को रख दिया है। अब कुछ बॉल को हम फ्रीज कर देंगे, क्योंकि ये जो ट्रे है ना, इसमें 2 टेबलस्पून के अगर हम बॉल बनाएंगे तो हमें 3 इंचेस अपार्ट रखना ज़रूरी है। अगर बॉल छोटे हैं तब 2 इंचेस चलेगा। तो हम कुछ फ्रीज भी कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कन्वीनियंट रहता है, फ्रीज़र में से बॉल्स निकाल लो और 20 मिनट्स में थॉ हो गए, अब बेक भी हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक उठाएंगे, पिचका देंगे हाथों से, ये देखें इस तरह से, शामी कबाब की तरह इस तरह से कर देंगे, और आप इसको रख देंगे। सेम इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे। चले अब इसे हम कवर कर देते हैं और इसे पकाएंगे 14 to 15 minutes, और इसको थोड़ा दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये 3-3 inches के फासले पे हो गया, तो चले इसको अब अवन में रख के आते हैं फॉर 15 to 18 minutes, अवन पे डिपेंड है, तो 15 मिनट्स में देखेंगे। देखिए 15 मिनट हो गई है, और ये हमारे कुकीज़ जो है ये हल्के हल्के एज से सुनहरे हो गए हैं, और ये इस तरह से थोड़े थोड़े हल्के हल्के नरम हैं। तब इसको हम बंद ही रखेंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद, और 5 मिनट तक उसको कवर रखेंगे। हमारे अवन वाले का भी टाइमर हो गया, तो चले लेके आते हैं। ये देखिए फॉर्म है, तो बस इसको निकाल लेंगे। तो चले दोनों को रेस्ट देते हैं, और 5 मिनट इसके हो गए, अब इसको हम अनकवर कर देते हैं। मिलते हैं थोड़ा सा ठंडा होने पे, फिर मिलके खाते हैं। देखिए 10-15 मिनट हो गए, अब डिश आउट करते हैं। चिड़िया कह रही है मुझे दे चॉकलेट चिप कुकी, तो उसको देते हैं। चिया आजा खा ले। चॉकलेट चिप कुकीज़ जब बेक होते हैं, आहा, क्या ख़तरनाक खुशबुएं आती हैं। ये देखें कैसा लग रहा है नीचे से भी। तो चले अब चूल्हे वाले। ये देखें कैसा शानदार है। कौन कौन आ रहा है बताए जल्दी से। हे 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 हे, क्या हो रहा है भाई डार्लिंग, खाने है कुकीज। देखा मैंने कहा ना इसमें बर्दाश्त ही नहीं है, कुकी को देख के इससे कुछ होने लग जाता है, वो कुछ कुछ होता है इससे, तो ट्राई करना है। चलिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से गुई, देखें डायरेक्टर साहब के मुंह में भी पानी आ रहा है, क्योंकि वो भी जोई से कम नहीं है। जोई कैसा लग रहा है? वो चूल्हे वाला है और ये अवन वाला है, कौन सा अच्छा है ज्यादा? दोनों दोनों बच्चे अब गए, अब मुझे दूसरा लेना होगा। ये बच्चे पागल हैं चॉकलेट चिप कुकी के पीछे, देखिए उसे कैसी गुई गुई चॉकलेट है। चॉकलेट चिप कुकी का मज़ा ही ये है, ऊपर से एक क्रिस्पीनेस और अंदर से गुईनेस, माइंड ब्लोइंग। क्या लगता है बनाना बनता है? यहाँ कोई जवाब ही नहीं है।
तो चले जल्दी जल्दी जाए बनाए, ये आप लोगों के नाम जबरदस्त खतरनाक ज्यादा बनाए, फ्रीजर में बॉल बना बना के रख दें, जब दिल चाहे 20 मिनट बाहर रखे, 25 मिनट बाहर रखे, ये मौसम पे भी डिपेंड हो सकता है, 10-15 मिनट में ही हो जाए, थोड़ा सा बस ऐसा हो जाए, पत्थर जैसा नहीं है, तो फ्राई पैन में बनाएं, ओवन में बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।